नमस्कार, मैं इंद्रजीत शर्मा हरियाणा अपडेट का स्वागत करता हूं। अभी इन दिनों जो चुनावी प्रचार है वो जोरों शोरों से चल रहा है, तो जो जो प्रत्याशी अपने ताल ठोकते जा रहे हैं इधर उधर जहां भी गांव में, आज हम इनेलो जो प्रत्याशी है नीतू यादव, हम उनसे बात करेंगे। तो जो इनेलो की जो नीतू यादव है, ये बेसिकली जो राजस्थान से बिलोंग करती हैं, राजस्थान की बेटी हैं और यहाँ अटेली हल्के की बहू है। तो हम नीतू यादव से बात करते हैं। हाँ मैम, हरियाणा अपडेट में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, थैंक यू। ये आप ये बताइए, आपका क्या बैकग्राउंड है, आप किस तरीके से राजनीति में कैसे आए आप? मेरा जी राजनीति करियर नहीं रहा। अच्छा। मैं एक सिंपल परिवार से हूँ, किसान परिवार से हूँ, किसान परिवार की बहू हूँ। मैंने यहाँ की जनता की परेशानियाँ देखी, एक किसान की परेशानी देखी, युवाओं की बेरोजगारी देखी, अस्पतालों की हालत देखी, रोजमर्रा की ज़िंदगी में जो जो छोटी छोटी परेशानियाँ हैं उन सबको मैं भी फेस कर रही हूँ। तो इसी से मुझे लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि बाहर के नुमाइंदे आते हैं, कुछ टाइम रहते हैं इलेक्शनों के टाइम तक, उसके बाद में बनकर तो चले जाते हैं लेकिन हल्के के सुख और दुख में साथ नहीं होते। उन्हें पता ही नहीं है कि रोजमर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी कितनी परेशानियाँ। हाँ तो मैम, जैसे कि आपने परेशानियों के बारे में बताया, बाहर का कोई व्यक्ति आता है यहाँ पे चुनाव जीत के चला जाता है, अटेली के शायद पीछे इतिहास में देखे तो बाहर के मोस्टली लोग आए हैं, तो अभी आपको क्या लगता है कि जो और बहुत सारे टक्कर में हैं चारों लोग, तो सबसे आपको क्या लगता है कि आपके टक्कर में कौन व्यक्ति है? मेरी टक्कर में कोई नहीं है। अच्छा, इसलिए नहीं है क्योंकि मैं एक ज़मीन से जुड़ी हुई आम परिवार किसान परिवार से हूँ और बहुत नॉर्मल हूँ, कोई पैसे वाली नहीं हूँ, एक नॉर्मल लाइफ जीती थी। लेकिन जो परेशानियाँ किसानों को, बेरोजगारी की, युवाओं को, जो मेरी बहनों को, और जो मतलब पानी के लिए, बिजली के लिए या हॉस्पिटल के लिए जो उनको परेशानियाँ हो रही हैं, वही मुझे परेशानी हो रही हैं। मैं कामयाब होंगी तो मैं उन सब परेशानियों का समाधान कराऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मूलभूत ज़रूरतें क्या है, हमारे यहाँ के क्षेत्र की परेशानी क्या है। अच्छा, लेकिन महिलाओं की जहाँ बात आती है, आप महिला हैं, हमारे यहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है ऐसा लोग कह रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप सभी जानते हैं मौजूदा सरकार के राज में तो प्रशासन व्यवस्था ठप हो चुकी है, तो महिला कहाँ से सुरक्षित होगी? ना बच्चा सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, तो महिलाएं तो बहुत दूर की बात है सुरक्षित रहना। और अगर विधायिका ने काम करवाए होते तो आप सभी जानते हैं उनकी टिकट नहीं कटती, उन्हें टिकट दी जाती, ये तो आपके सामने एक उदाहरण है। और मैं यहाँ के लोकल की रहने वाली हूँ, अटेली विधानसभा की वोटर हूँ और मैं जनता के बीच में ही रहूँगी हमेशा और जनता के साथ रहूँगी। अच्छा, जैसे कि सभी जो राजनीतिक लोग हैं अपना फेसबुक ट्विटर हैंडल करते हैं, तो आप भी इस तरीके से खुद ट्विटर हैंडल करती हैं क्या? नहीं, मैं ट्विटर नहीं चलाती इतना ज़्यादा, फेसबुक देखती हूँ, लेकिन मैं आम पब्लिक के बीच में जाती हूँ, जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनकी परेशानियाँ हैं, खुद प्रैक्टिकली मैं देखती हूँ तब समझती हूँ। ये नहीं है कि घर पे बैठी मैं फ़ोन में देखती रहूँ, फ़ोन में देखने से आपको उस तकलीफ़ का एहसास नहीं होगा जो पर्सनल वहाँ जाके आप महसूस करोगे। तो आप जैसे कि गाँव में ज़्यादा आकर के अभी प्रचार कर रही हैं, इससे पहले भी आप गाँव में जाकर कोई मुद्दा उठाया है आपने? मैं हमेशा से ही लोगों के लिए भलाई कार्य के लिए करती रही, जो मेरे से बन पड़ता, जैसे कईयों के पीले कार्ड नहीं बन रहे तो उनके लिए भी, पेंशन के लिए भी, हमेशा सपोर्ट के लिए साथ खड़ी रही। लेकिन जनता मुझे अगर मौका देती है, मुझे वो पावर देती है, तो मैं हर समस्या का समाधान करवाऊंगी, क्योंकि जो जनता परेशानी भुगत रही है वो आम जनता मैं भी हूँ, क्योंकि अटेली विधानसभा की वोटर ही हूँ मैं भी और यहीं रहती हूँ, गाँव में ही रहती हूँ, तो जो समस्याएँ उनके सामने वही समस्याएँ मेरे सामने, जनता मुझे पावर देगी तो मैं हर समस्या का समाधान करवाऊँगी। अच्छा, अगर जनता आपको अब की बार मौका देती है और आपको विधायक सुनती है, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? सबसे पहला स्टेप मेरा युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना, कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिले। आप सभी जानते हैं अगर युवा को ही रोज़गार नहीं मिलेगा तो हमारे क्षेत्र की तरक्की कैसे होगी? हॉस्पिटल तो खोल दिए गए यहाँ पे, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। आप सोचिए, अगर एक मरीज के हार्ट अटैक आ गया और उसके पास में 15-20 मिनट है, तो उसको रेवाड़ी या दिल्ली गुड़गांव पहुँचने के लिए कितना टाइम लगता है, तो वो तो अपनी जान ही गंवा बैठेगा। अगर हॉस्पिटल किस लिए खोले गए अगर डॉक्टरों की सुविधा नहीं है? सड़कें हैं, सड़कें इस मौजूदा सरकार के राज में गाँव की गलियाँ और सड़कें खोद के तो डाल दी गई, लेकिन कुछ काम शुरुआत किया गया उसके बाद में नहीं हुआ। महिलाएं हैं, महिलाएं बहुत परेशान हैं। गांव की जो वाटर सप्लाई की मोटरें होती हैं वो एक दिन ख़राब हो गई तो 4-4 दिन तक उनकी सुनवाई नहीं होती। मैं भी एक गृहिणी हूँ, हर चीज़ के लिए परेशानी होती है। अगर पानी उपलब्ध नहीं हो तो बच्चों का खाना भी बनाना होता है, कपड़े भी धोने होते हैं, बर्तन भी साफ़ करने होते हैं, हर चीज़ में परेशानी होती है। सरकार सुनवाई क्यों नहीं कर रही?
मैं हर चीज़ का समस्या का समाधान करवाऊंगी और जनता के बीच में रहूंगी। और विधायक बहुत सारे आए बाहर के बन के और चले जाते हैं, 5 साल तक हल्के की सुध नहीं लेते। ये आप गाँव में जाओगे तो पता चलेगा, वोटर पुकार पुकार के कह रहा है कि जी हमारे बीच में ही नहीं आते, और वोटर ने अपना मन बना लिया है, अब की बार वो यहाँ के मौजूदा कैंडिडेट को ही चुनेंगे। अच्छा, तो जैसा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पानी का, नहरी जो पानी है वो लगभग यहाँ पे बहुत कम हो ही चुका है, तो आपका इसकी तरफ क्या स्टेप रहेगा इधर आपका? आप सभी ने पिछले दिनों भी देखा, हमारी इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया कि हमें SYL का पानी दिया जाए, और जैसे ही सरकार बनती है हमारे पास ताकत हाथ में आ जाएगी, और पावर हाथ में आते ही सबसे पहले हम क्षेत्र में SYL नहर का पानी लेने का काम करेंगे। अच्छा, दूसरा है कि क्या बताया जाता है, INLO पार्टी से अलग होके JJP पार्टी बनी, दुष्यंत चौटाला जिसके प्रमुख हैं, तो आपका उधर क्या है कि आपको नहीं लगता कि INLO के और JJP के वोट बढ़ जाएंगे? मैं ताऊ देवीलाल की नीतियों को लेके आगे बढ़ रही हूँ। अच्छा। जिन्होंने इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी की स्थापना की थी और चश्मे का उनका निशान था, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि JJP दूसरा पार्ट हो गई। जो ताऊ देवीलाल की नीतियों को जानता है और उनको मानता है कि वो अपने बात के धनी थे, वो सभी मेरे साथ हैं, और हल्के के वोटर भी चाहते हैं कि नीतू यादव की कामयाब हो ताकि वो हमारे बीच में रह सके। उन सबको पता है मैं एक किसान परिवार से हूँ, एक नॉर्मल हूँ, उनकी तकलीफ को समझ सकती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि JJP अलग हो गई। अच्छा, कि अभी आप कोई रैली का भी आयोजन कर रहे हैं क्या इस दौरान? नहीं, अभी कुछ नहीं सोचा है। सबसे पहले मैं हल्के में वोटरों के पास जा रही हूँ, उनकी समस्याएं ही सुन रही हूँ, उनका समाधान कैसे करवा सकूँ, उनकी जो पर्सनल समस्याएं मूलभूत जीवन में क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं उनको, उनकी छोटी से छोटी तकलीफ जानने की कोशिश कर रही हूँ। आप मान लीजिए मैं रैली करवा लूँगी, भीड़ करवा लूँगी, लेकिन भीड़ से वोट नहीं मिलते। अगर मैं लोगों के बीच जा करके उनकी परेशानियों को समझूँगी तभी मैं कामयाब विधायक बन सकती हूँ। अच्छा, जैसा कि अभी जो है ना भारतीय जनता पार्टी भी अपने बड़े बड़े नेताओं को बुला रही है, तो जैसे कि JJP भी बुला रही है, सभी पार्टियां लगभग बुला रही, कांग्रेस भी बुला रही है, तो आपका जैसे कि INLO से कौन व्यक्ति आएगा जो आपके पक्ष में, राज्य स्तर का व्यक्ति कौन आएगा यहाँ पे वोट सपोर्ट करने के लिए? मेरी सबसे बड़ा व्यक्ति मेरे लिए जनता जनार्दन है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। नेता कोई खुद नहीं बनता, आपको भी पता है, जनता नेता चुनती है, और जनता के सपोर्ट के बिना कोई नेता नहीं है, कोई लीडर नहीं बन सकता। मेरे लिए सबसे बड़ा नेता मेरी अटेली हल्के की जनता है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, अभी आप जनता से क्या अपील करती हैं? मैं जनता से अपील करती हूँ कि मैं आपके बीच की हूँ, मैं एक किसान परिवार से हूँ, आप सबने मुझे देखा है कि कभी भी किसी काम के लिए भी आओगे तो मैं हमेशा सुख दुख में खड़ी रहूँगी। मैं किसान परिवार से हूँ, ना गुड़गांव में रहती हूँ ना दिल्ली रहती हूँ, गिरधरपुर मेरा गांव है, गांव में ही मैं रहती हूँ, ना कोई गार्ड है ना कोई नौकर चाकर है। आप कभी भी आइए या मुझे बुलाइए, हर टाइम सुख और दुख में, क्योंकि मुझे यहीं रहना है, बाहर कहीं जाना नहीं है, जनता के बीच में खड़ी रहूँगी। और जनता की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, क्योंकि वो मैं खुद भी भुगत रही हूँ, मैं हर समस्या का समाधान करवाने के लिए उनके साथ खड़ी रहूँगी। एक बार कामयाब बनाइए, अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए और मुझे कामयाब बनाइए, चश्मे के निशान पे अपना बटन दबाइए। थैंक यू। तो ये थी नीतू यादव, इंडियन नेशनल लोकदल से, अटेली हल्के से।